अंबेडकर नगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल विकास के अच्छे दावे कर रहे हैं, मगर वर्तमान भाजपा नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा 5 वर्षों के विकास को अगर देखा जाए तो जनता ने 0 नंबर दिए हैं। किन किन शब्दों से नवाज रही है ये भी उन्हें भली भांत पता है, क्योंकि विकास के नाम पर जो कार्य कराए गए वह धरातल से ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो। मानक को ताक पर रखकर सरकारी धन का जमकर बंदरबांट किया गया, जिससे कि जनता को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका और वह अब टूट कर बर्बाद हो चुके हैं। अकबरपुर नगरपालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत 25 वार्ड हैं, जिसमें पूरी 5 वर्षों में सभासदों का पालिका के रवैये को लेकर जमकर विरोध चला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सभासद थे। विकास के मुद्दों को लेकर अब किस मुंह से सभासद वोट की अपील करें यह भी उनके सामने चिंता का विषय है। सड़क, बिजली, सफाई एवं पेयजल सप्लाई में नगरपालिका में लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा नेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर शासन की राशि का दुरुपयोग किया है और जनता को सुविधाओं के लिए तरसाया है, ऐसा वहां के लोगों ने आरोप लगाया है। भाजपा के नेताओं से लेकर सभासदों ने कई बार शिकायती पत्र नगर विकास मंत्री, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को भेजकर हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की, मगर शासन सत्ता के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जनता को अंधेरे में रखा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सभासदों ने आंदोलन तक किया। शहर बाजार चौराहे पर बने फव्वारा, सार्वजनिक शौचालय, सड़क निर्माण, नाली नाला, स्ट्रीट लाइट, वृक्षारोपण, इंटरलॉकिंग, सामान खरीदारी में, यहाँ तक कि तिरंगे में भी घोटाले किया गया।